हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 वर्षों बाद सर्दी के मौसम में इस बार सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि बर्फबारी भी अभी तक ना के बराबर ही हुई है। पिछले लगभग 3 महीने से प्रदेश में बारिश नहीं हुई है, जिससे प्रदेश सूखे की मार भी झेल रहा है। हालांकि प्रदेश में हाड़कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है और अगले 3 से 4 दिन लोगों को ठंड और सताने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 3 दिन तक प्रदेश में शीतलहर और धुंध को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है, जबकि 7 जनवरी से हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू होगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 6 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप होगा। तापमान सामान्य से नीचे चल रहे हैं, जिससे कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है। 7 जनवरी से हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाली है, जिससे प्रदेश भर में 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कुल्लू, चंबा, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान लगाया है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश और धुंध को लेकर चेतावनी जारी की है। अभी अगले 3 से 4 दिन तो मौसम ठीक रहेगा, साफ रहेगा, सिर्फ हल्की सी संभावना है बहुत एक्सट्रीम नॉर्थ पे हल्की बर्फबारी की एक दो जगह पे, लेकिन बाकी प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। अभी जहां तक ठंड की बात है, कोल्ड वेव और फॉगी कंडीशंस अभी कंटिन्यू करेगी 3 से 4 दिन। ये जरूर है कि एक पश्चिम विक्षोभ अभी 6 तारीख के बाद अप्रोच कर रहा है, तो उसके चलते टेम्परेचर कुछ बढ़ना शुरू होंगे, जो मिनिमम टेम्परेचर है करीब 6 के आसपास, खासकर जो हाई और मिड हिल्स है। उसके बाद फिर सबसेकेंड डे में फिर फर्दर वो राइज करेंगे, क्योंकि 7 और 8 तारीख को एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है, तो उससे बर्फबारी और की संभावना है जो प्रदेश के ऊपरी हिस्से है, जिसमें चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, इन जिलों में बर्फबारी, और जो मध्यम क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ पे बारिश, हल्की बारिश की संभावना है, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बादल रहेंगे आमतौर पर, और बारिश की, हल्की बारिश की कम संभावना है। अभी जैसे मैंने कहा कि 3 से 4 दिन ये पूरा जो कोल्ड वेव जो फॉगी कंडीशंस है कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 6 तारीख के बाद परिवर्तन आएगा और फिर से एक बार पश्चिम विक्षोभ की चपेट में प्रदेश रहेगा, उससे जो है बर्फबारी और बारिश की प्रदेश में संभावना। हमने अलर्ट जारी किया हुआ है, येलो अलर्ट प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पे, जिसमें बिलासपुर है, ऊना है, हमीरपुर है, मंडी, सोलन, इन इलाकों में जो है शीतलहर का प्रकोप अभी अगले 3 से 4 दिन जारी रहेगा, उसके बाद इसमें कुछ कमी आ जाएगी। देखने को मिला है कि बहुत कंटिन्यूस इस तरह का ड्राई स्पेल रहा हो, जहाँ बिल्कुल भी बारिश और बर्फबारी ना हुई हो, तो एक एक डिकेड आप लेके चलो तो करीब बहुत कम मौके ऐसे मिले हैं जब इतनी इतना लगातार जो है कंटिन्यूस ड्राई स्पेल जो है देखने। वहीं बारिश और बर्फबारी ना होने से प्रदेश में सूखी ठंड पड़ रही है, जिससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और आग का सहारा ले रहे हैं। शिमला, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के कुछ इलाकों में तापमान 0 से नीचे चल रहा है। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।